पुलिस की लगातार दादागिरी से कई लोग अंडमान निकोबार में हताश है, परेशान है। एक और मामला सामने आया है जिसमें एक बुजुर्ग महिला की बहुत बेरहमी से पिटाई की गई। ना सिर्फ लेडी पुलिस ऑफिसर बल्कि मेल पुलिस ऑफिसर ने भी उन पर लाठी बरसाए हैं, साथ ही उनके जवान बच्चे पर भी उनके साथ में बदसलूकी की है, बहुत बुरी तरह उनको पीटा है। आज हम उनसे सीधी बात करने जा रहे हैं और हम आम जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि अंडमान पुलिस अंडमान की जनता के साथ क्या कर रहा है। जैसे कि पूरे तरह से लॉकडाउन है, तो ऐसा क्या इमरजेंसी आ गया था कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ा? मेरे हस्बैंड के अस्थमा की दवाई खत्म हो चुकी थी, पंप चाहिए था उसको, रात भर वो सो नहीं रहे थे। साथ में मेरे को डायबिटीज की दवा चाहिए थी। हम लोगों ने हेल्पलाइन और फार्मेसी सबको कंसल्ट करने के बाद जो है हम बाहर गए थे, और मेडिसिन के लिए और डॉक्टर को दिखाने के बाद, इंजेक्शन लेने के बाद जब हम वापस आ रहे थे, तब हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ था, मतलब ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ऑफिसर्स ने आप लोगों पर लाठी बरसाया, और आपने कोई रूल्स वायलेट किया था, क्या किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं और मेरे बेटा जो है वो कार में बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड जो है, हमारे पास पैसे नहीं थे, हस्बैंड एटीएम में पैसे निकालने गए, और उसी के बाद में मेरा बेटा जो है वो समय वीडियो वहां पे लोगों को मार रहे थे, मेरे बेटे ने वीडियो ले लिया था शायद, तो वीडियो को देखते हुए मुझे कार से घसीट के बाहर मेरे बेटे को लाने की कोशिश करे, और उसके बाद में मेरे मोबाइल और मेरी कार की चाबी लेकर वो भाग गए थे, और उसी को लेने के लिए मैं कार से उतर के उनके पास गई, तब वो मुझे डंडे बरसाने लगे। तो क्या वहां पर लेडी ऑफिसर ने आप पे डंडे बरसाए या मेल फीमेल दोनों ने? दोनों ने। सब में पहला डंडा तो जो है वो मेल ने बरसाया, उसके जस्ट बाद ही उनको शायद रियलाइज हो गया। उसके बाद में एसआई मासूमा बेगम ने मेरे ऊपर में कंटिन्यू डंडा बरसाया। मैं बोल रही सुन लो, मेरे हाथ में मेडिकल स्लिप है, मेरे क्या बोलते, मैं उसको दिखा रही थी कि ये है दवाई है, दवा के लिए निकले थे, पर उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे मार रहे थे। ये देख के मेरा बेटा बाहर आया, फिर बाद में वो मुझे छोड़कर मेरी बेटे को मारने लगे। तो आपको जब डंडे पड़े हैं तो आपको चोट भी लगी होगी? हाँ, लगी है। मेरे हाथों में दोनों हाथ जो है वो पूरा स्वेलिंग कर गया था, और उसके बाद में मेरे दोनों साइड में मारे और मेरे जो है पीछे में मारे हैं, जिसमें मेरे निशान है ऑलरेडी, और उसके बाद में वो मुझे छोड़ दे, नहीं नहीं करके 5-6 डंडे मेरे को मारे होंगे, और उसके बाद में वो मेरे बच्चे की तरफ चले गए। अच्छा, आप भी अपने मदर के साथ में थे उस दिन, और आपको पुलिस ने क्यों पकड़ा था और क्यों मारने लगे थे? मैं असल में वहाँ पे एक आदमी का वीडियो बना रहा था, कार में बैठे हुए, और उन्होंने आकर मुझे बोला कि क्या तुमने वीडियो बनाया, तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैंने वीडियो बनाया है, तो उन्होंने मेरा फ़ोन छीना, कार का चाबी छीन के मैं अपने पापा को बुलाने गया कि पापा पापा देखो क्या हो रहा है, और उसी टाइम मेरी मम्मी गई चाबी लेने के लिए। जब मैंने देखा कि मेरी मम्मी को लोग मार रहे हैं, तो मैं दौड़ते ही मैंने कहा कि मेरी मम्मी को मत मारो, मैंने उन्हें कवर कर लिया। उन्होंने मेरे डंडे पीठ पर मारे। जब मैंने कहा कि आप उन्हें मत मारिए, आप मुझे मारिए, तो मैंने हाथ सरेंडर किया, मैंने हाथ खड़ा कर दिया उनके सामने। वे लोग तब भी मार रहे थे, मारते मुझे घसीटते हुए लेके गए वे लोग थाने पे। उन्होंने मुझे मुर्गा बनाया, मुर्गा बनाकर बहुत देर बैठा के रखा। जब मेरे टांग में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने ये भी नहीं सुना, उन्होंने कहा कि तुम्हें बनना ही पड़ेगा, तो मैं बैठ गया वहीं पे। तो उन्होंने मुझे उन्होंने मेरा फोन चेक किया, फोन चेक करके उन्होंने सारा वीडियो डिलीट किया। वीडियो डिलीट करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा इस वीडियो बनाने के जुर्म में मैं तुम्हारा करियर भी बर्बाद कर सकता हूँ। मुझे ऐसी भी धमकी दी गई, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जब मेरे मम्मी पापा जब बात कर रहे थे पुलिस ऑफिसर्स से, तो उन्होंने कहा कि मुझे सेक्शन 150 लगाकर छोड़ दिया जाएगा। तो जैसी मैं बाहर निकला, तो उन्होंने कहा कि मेरा मेडिकल चेकअप होगा। तो मैंने सोचा कि मेरे मेडिकल चेकअप में मैं डॉक्टर को बता सकूंगा कि मुझे कहाँ कहाँ मारा गया। पर गाड़ी में ही जैसी मैं पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा जीपन हॉस्पिटल पे, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कुछ बताना नहीं होगा कि मुझे चोट लगा है, मुझे यही बोलना होगा कि मुझे कहीं चोट नहीं लगा है। और ये किसने आपको, पुलिस ऑफिसर्स ने बोला है, पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर्स ने आपको ये बात बोली है? जी, उनका नाम शाहिद था। अच्छा। उन्होंने कहा कि मुझे 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 ऐसा बोलना है कि मुझे मुझे उन्होंने कहीं नहीं मारा, और अगर मैं बोलूंगा तो वो मुझे और भी मारेंगे। तो उसी के डर से मैंने कहा कि मुझे
मुझे नहीं मारा, पर जैसे वे लोग मुझे डॉक्टर के पास लेके गए उन्होंने मुझे बाहर खड़ा कर दिया। पुलिस ऑफिसर्स गए, एक पुलिस ऑफिसर गया डॉक्टर से बात करने, उन्होंने डॉक्टर से बात की और मुझे रूम के बाहर रखा। जस्ट उन्होंने मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा और वो डॉक्टर और वो पुलिस ऑफिसर वो फॉर्म फिलअप करे जो कि मेरी मेडिकल था और मुझसे बिना बिना पूछे गया पूछे मतलब ही लिया था। आपका मेडिकल हुआ ही नहीं, आप जी, तो हाँ, कि मेडिकल नहीं, इट वॉज जस्ट अ फॉर्मेलिटी फॉर मी। ये एक जस्ट फॉर्मेलिटी था कि उन्होंने मेरा मेडिकल कराया। कराते साथ उन्होंने मुझे थाने लेके गए और मुझे ये समझाया गया कि मुझे वो SHO या उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मुझे 150 से वन मेरे ऊपर 151 लगाने वाले थे और मुझे 150 लगा दिया और मेरा करियर बचा लिया। अच्छा। और मुझे ऐसा कहने को कहा गया और मुझे थाने लेके गए वापस फिर वे लोग मुझे छोड़ दिए। मैं थाने से बाहर आया तभी भी उन्होंने मेरी गाड़ी दी और उन्होंने कहा कि मुझे पैदल चलकर घर जाना पड़ेगा। जब मेरी मम्मी ने कहा कि हम नहीं जा पाएंगे उतने दूर तक, तो मेरी मम्मी ने कहा कि या तो आप एम्बुलेंस को बुलाइए या तो मुझे घर भेजिए। तब उन्होंने जाके गाड़ी का चाबी दिया। खुलेआम हो रही इस तरह की पुलिस की दादागिरी से आम जनता किस तरह का मदद प्रशासन से उनको मिल पाएगा, अब ये देखना है। जैसे कि आपने इनसे सुना, माता जी बता भी रही हैं कि उन्होंने पुलिस आला ऑफिसर्स को सब तरफ से अप्रोच किया है, मैसेजेस किए हैं, व्हाट्सएप किए हैं, बावजूद उसके उनको किसी भी तरह का कोई आश्वासन, किसी भी तरह की कार्रवाई का कोई संदेश किसी भी ऑफिसर से नहीं मिल पाया। आपको कहां कहां पर चोट आई है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चे का पूरा बाजू सूजा हुआ है, पूरा स्किन निकला हुआ है, डंडे बेरहमी से मारे गए हैं, हाथों में, पैरों में, जहां जहां मिल सका है उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से डंडे बरसाए हैं। इस तरह का रवैया पुलिस की तरफ से काफी निंदनीय है।